दोस्तों हमारे पास आ चुका है महिंद्रा 265 DI XP प्लस। इसकी जो है दोस्तों देखिए ग्रीसिंग करने वाले हैं हम लोग, और कैसे ग्रीसिंग करते हैं ये इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको ये 13 नंबर बोल्ट की प्लेट खोल लेना है जो 4 बोल्ट से बंधी हुई है। उसके बाद इसको निकाल लेना है आपको। तो प्लेट निकालने के बाद दोस्तों इसको साफ करेंगे अच्छे से। उसके बाद इसकी जो है चीरा पिन निकालेंगे। तो इसकी चीरा पिन निकल चुकी है दोस्तों। अब इसमें 32 नंबर रेंच लगेगी बोल्ट में, उसको आप खोल के दिखाएं। बोल्ट खोल लेना है दोस्तों। उसके बाद इसमें एक वार्सल लगा हुआ है, उसको आपको अच्छे से निकाल लेना है। अब रही वायरिंग थोड़ा टाइट है इसमें की, इसलिए इसको ठोंकना पड़ेगा। तो चक्का निकल चुका है दोस्तों, ये देखिए इसकी वायरिंग टाइट थी इसलिए इतना दिक्कत हुई है। दोस्तों इसमें एक दिक्कत और थी, देखिए एक्सल पूरी तरह से कटा हुआ है और इसका आराम बोल्ट पूरी तरह से टाइट हो जाता है, लेकिन फिर भी एक्सल इसलिए पिन रहती है। अब इसको खोल के बनवाएंगे दोस्तों, अभी इसको कटवाना पड़ेगा आराम को। इसका आराम बोल्ट 24 नंबर लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए हम 24 नंबर गुट्टी से इसको खोल रहे हैं, ये देखिए। तो इसकी आराम निकालने की तैयारी शुरू हो रही है, ये देखिए इसका आराम पूरी तरह से खोल के निकाल लिया जाएगा अलग करके। तो इसका आराम बोल्ट 19 नंबर लगा हुआ है ऊपर वाला, और जो नीचे का 22 नंबर रहता है। तो इसका आराम बोल्ट देखिए निकल चुका है, ये पूरा तरह से लूज है, ये देखिए दोस्तों हाथ ही से निकल गया है, पूरी तरह से कटा है, कटा हुआ है, ढील हो गया। और एक्सल भी दोस्तों बहुत टाइट है, ये देखिए हाथ से निकल नहीं रहा है, तो स्टीयरिंग से घूमेगा क्या। इसको पानी कर देंगे दोस्त। तो अब इसको धोया जाएगा अच्छे से डीजल से, ये देखिए पूरी तरह से वायरिंग कचड़े से डूबी हुई है। अब इसको अच्छे से पटक पटक के धोया जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों इसको धोया जाएगा। इससे क्या रहता है कि बढ़िया वायरिंग फ्री रहे, जल्दी ख़राब ना हो वायरिंग, इसलिए इसको धोना बहुत ज़रूरी रहता है। दोस्तों ये आराम देखिए, इसलिए खोला गया था, ये इसको टाइट करने के बाद भी इसमें ख्याल रहती थी, इसलिए इसको पूरा से अभी ग्लेंडर से कटवा लिया गया है। अब इससे क्या रहेगा, बोल्ट टाइट हो जाएगा, ख्याल नहीं रहेगी। दोस्तों सबसे पहले इसकी वायरिंग साफ की जाएगी। सल जहाँ बनेगा उसको साफ करेंगे। तो इसको अच्छे से साफ करेंगे दोस्तों, और एक्सल भी उधर देखिए धो गया है डीजल से, और ये वायरिंग है दोस्तों देखिए एक्सल उधर साफ किया जा रहा है। और इसी तरह सब सामान अच्छे से धोना है उसी डीजल में, और धोने के बाद अभी बांधेंगे, उसका भी वीडियो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि देखिए नीचे की सील है, और ये वायरिंग आप इसमें लगाएँगे, और कैसे लगाएँगे ये भी आपको मैं दिखाऊँगा। इसलिए अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये देखिए वायरिंग एक्सल में चेक की जाएगी। अब मैं ग्रीस खोलूँगा, तो इसमें अच्छी ही ग्रीस लगाना है आपको, और अच्छी तरह से भरना है। ये देखिए और अब इसकी वायरिंग लगाएंगे। वायरिंग आपको वैसी में लगाना है, और आई सील बढ़िया से ठोंक देना है आपको, अच्छे से बैठाना है, ठोंक के बैठेगी ये आई सील, टाइट रहती है थोड़ी। तो अब इसकी एक्सल में ग्रीस लगाई जाएगी, और बढ़िया से लगाई जाएगी, इसलिए जो ज़्यादा रहेगी वो निकल आएगी ऊपर, और इसमें अच्छे से लगा के ग्रीस आपको बांधना है। इससे क्या रहता है, आपकी गाड़ी काफ़ी समय तक जो खड़ी रहती है
सूखेगी नहीं ग्रीस। और ये देखिए एक्सल में जो ऊपर ग्रीस आ गई हो, जो मैं ज़्यादा भरा था ना इसलिए ऊपर गिरिया। इसकी मक्खी अच्छे से बैठा लेना है और उसके बाद ये देखिए आराम लगेगा। अभी हमने इसको जो बताया था ना चिरवाए हुए हैं, अभी अच्छे से बैठ जाएगा और टाइट भी अच्छे से हो जाएगा। अभी दिखाएंगे आपको। तो बोल्ट इसका ठोंक के लगेगा और लगा दिया है हमने। अब बड़की वायरिंग में ग्रीस भरने वाले हैं। उससे पहले आपको आई सील जो रहती है इसको नई हम लोग लगाएंगे। और ये देखिए महिंद्रा कंपनी की ही है, बोरिंग लगेगी उसके बाद ये आई सील लग गई है और ये अब वायरिंग लगने जा रही है। और वायरिंग लगा के इसको ठोंकेंगे दोस्तों, इसलिए टाइट निकले थी इसलिए ठोंकना पड़ेगा। और अच्छे से इसको अब बैठाएंगे। ये देखिए बैठ चुकी है और अब इसमें पूरी तरह से ग्रीस भरा जाएगा। ये देखिए पूरा फुल ग्रीस भरेंगे इसमें, इसलिए ये वायरिंग मेन वाली है दोस्तों। अब इसमें ग्रीस भरी जाएगी कप में। और दबाइए और एक और दबाइए दोस्तों। वायरिंग लगने जा रही है। थोड़ा टाइट है ये भी वायरिंग, इसलिए अभी निकलने में दिक्कत कर रही थी। तो दोस्तों इसकी चीरा पिन लग चुकी है और इसको अच्छे से टेढ़ करेंगे ताकि निकले नहीं। और इसके बाद जो है इसकी कैप में ग्रीस भरेंगे और इसको अच्छे से जैसे खोला था वैसे ही आपको बांधना है। बांधने के बाद दोस्तों अच्छे से टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद दोस्तों इसका जो ऊपर का बोल्ट है अभी वो टाइट नहीं है और उसको भी अभी ठोंक के टाइट करेंगे। करने के बाद ये बोल्ट टाइट होगा। जैग उतार लिया गया है, उसके बाद टाइट हो गया। दोस्तों ये पहले हिल रहा था टाइट होने के बाद ही, लेकिन अब नहीं हिलेगा। कभी नहीं हिलेगा दोस्तों, इसलिए इसको पहले कटवा के उसके बाद टाइट हुआ है। और ये पूरा अच्छी तरीके से चपक गया है। पहले स्टीयरिंग घुमाने पर यहाँ से फ्री था, एक्सल नहीं घूमता था, लेकिन आराम हिल रहा था। ये देखिए अब थोड़ा भी चाल नहीं है दोस्तों, चक्का का काम इसका ओके हो चुका है दोस्तों। ये बन के रेडी हो चुका है, अब इसकी स्टीयरिंग चेक करी जाएगी।